If you're positive, you see an opportunity instead of obstacles. So hello everyone, I'm Sarika Shukla and I'm a soft skill faculty at Access Colleges, and today I have brought few tips how to keep yourself positive in every type of situations. See, हमारी life में कई तरीके के situations आती हैं, like जब आप office में होते हैं, school में होते हैं, college में होते हैं, in fact जब family के साथ होते हैं, in your personal life, right? So होता basically ये है कि जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई अच्छी सिचुएशन आती है तो यू बिकम हैप्पी, बट कभी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप परेशान हो जाते हैं, यू गेट नेगेटिव थॉट्स, और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव जब सोचना शुरू करते हैं सो वो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड को हैम्पर करता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं और आपके लाइफ को भी हैम्पर करना शुरू कर देता है. सो आज मैं ऐसे टिप्स पर बात करूँगी कि जिनको अगर आप फॉलो करते हैं सो आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो फॉलो कर सकते हैं. सो आइए देखते हैं कि कौन से टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड टू कीप दैट पॉजिटिव एटीट्यूड अलाइव इन यू. ओके, सो सबसे पहले आई टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव environment around you. Now create a positive environment. See, लोग कहते हैं आप ऐसी मूवीज़ देखो या फिर इस तरीके की चीज़ों को, म्यूज़िक को सुनो या आप ऐसे लोगों से बात करो सो दैट आप पॉजिटिव हो सको. आई एम सेइंग कि आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट दैट मीन्स आपको अपने आप को सराउंड करना है पॉजिटिव लोगों से. आपने सुना होगा ना, बचपन से वी हैव बीन टोल्ड कि ऐसे लोगों के साथ आप रहो क्योंकि कंपनी मैटर्स. सो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे सो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, राइट? सो यू कैन use this tip, positive रहिए, positive लोगों का साथ ढूंढिए. Next tip जो मैं आपको देने जा रही हूँ, always be grateful. See, हर किसी के पास हर चीज़ नहीं हो सकती. For example, if you have something, maybe I don't have, or if I have something, maybe you don't have. So whatever things you have to be grateful for that. अगर आप grateful होते हैं तो आप चीज़ों को compare कम करना शुरू करते हैं, right? So अगर आप grateful रहेंगे तो वो positivity आपके अंदर आएगी और आप उस positive attitude को maintain कर पाएंगे. Now, next tip is you have to keep positive treasures in your mind. See, it's your life, right? बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कभी कुछ बहुत अच्छा हो गया, कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप हमेशा सैड रहेंगे एंड यू विल थिंक ओके व्हाट आई लॉस्ट. आप ये देखो कि आपके अकम्प्लिशमेंट्स क्या हैं, आपने क्या अचीव किया है लाइफ में, राइट? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे, पॉजिटिव आपने जो चीज़ें अचीव की हैं, तो आप आगे भी वैसे ही एक्ट करेंगे और नई चीज़ों को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे. सी, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आई वुड टेल यू कि ये जो यूनिवर्स है, एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन. आपने सुना होगा, इन द सेम मैनर अगर आप पॉजिटिव सुनते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिविटी ही आपको मिलती है. जैसे कभी आप सोचो, मॉर्निंग में यू मस्ट हैव लाइक थॉट कि कभी आप बहुत अपसेट हो गए तो चीज़ें गलत होती चली जाती और हम ब्लेम करते हैं कि हमारा दिन ही ख़राब हो गया, बट ऐसा नहीं होता है. अगर आप चीज़ों को समझेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, सो आपका आगे का दिन भी अच्छा बनता चला जाएगा, राइट? आप दूसरा टिप देख लेते हैं. You don't have to compare yourself. ये एक चीज़ है. See, I can understand being human, हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, राइट? अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हैं, कलीग से कंपेयर करते हैं, बट सी, कंपैरिजन अगर आपको करना है सो पॉजिटिव वे में करिए कि ओके फाइन, दैट पर्सन इज़ अपग्रेडिंग और अपडेटिंग हिम और हरसेल्फ, उसने ये सर्टिफिकेशंस किए हैं तो मुझे भी करने चाहिए. लेकिन उस चीज़ को लेकर आपको नेगेटिव नहीं होना है कि आप ये सोच रहे हो कि somebody इज़ गेटिंग इंक्रीमेंट और अप्रेजल तो आप बहुत ज़्यादा सैड होते जा रहे हैं. सो आपको वो एक चीज़ नहीं करना है, बिकॉज वो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे सो हो सकता है आप अपने जो टर्म्स हैं, जो रिलेशंस हैं उस पर्सन से, वो आपके ख़राब हो जाएं. सो दैट मीन्स नेगेटिव होने का इतना गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मेडिटेशन. You must have heard about yoga meditation, right? But actually it works. Meditation अगर आप करते हैं, for example आप 10-5 minutes ही morning में उठकर meditation करते हैं, so it keeps you focused
आपको फोकस रखता है, आपको ये हेल्प करता है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सके, राइट। सो आपको मेडिटेशन करना है। अनदर थिंग, अनदर टिप, डू नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम, फोकस ऑन सॉल्यूशन। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको एक टास्क दे दिया गया, एक डेडलाइन दे दी गई दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टिल दिस डेडलाइन, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ओ माय गॉड इन 3 डेज हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क। बट आपको परेशान नहीं होना है कि 3 दिन में कैसे कंप्लीट होगा, रैदर यू शुड फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर इट कि ओके फाइन, मैं कौन से टीम मेंबर की हेल्प ले सकता हूँ और क्या चीज़ें मेरी हेल्प कर सकती हैं। व्हाई? बिकॉज आप अगर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इन द सेम मैनर, अगर आपकी फैमिली में कुछ इशू आ गया है, आपको लग रहा है कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम नाउ, अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, यू आर वरीड अबाउट इट, सो रैदर देन गेटिंग वरीड अबाउट एनीथिंग, आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू इज आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशन करिए, आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए कि आप कैसे उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दैट मींस जो जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपकी लाइफ को हैम्पर करते हैं। अगर आप चीज़ों के सोल्यूशन पे फोकस करेंगे और उसकी उस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेंगे, सो इट विल हेल्प यू टू अचीव दैट थिंग, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि वो पॉजिटिव रहे हर सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर ले जाते हैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के लिए, सो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे अपनी लाइफ में, बीट इंटरव्यू, बीट एनी योर फैमिली प्रॉब्लम, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वहाँ पे आपको कितना बड़ा भी टास्क दे दिया जाए, इफ़ यू आर पॉजिटिव, इफ़ यू ट्रेन योर माइंड टू बी पॉजिटिव एंड काम इन एवरी सिचुएशन, सो बिलीव मी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। सो आई होप ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगे। सो स्टे पॉजिटिव, कीप दैट पॉजिटिव एटीट्यूड अलाइव। थैंक यू वेरी मच।